दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपने टेलीग्राम चैनल या ग्रुप पर ऑटोमेटिकली जो रिक्वेस्ट आई होती है उनको कैसे एक्सेप्ट करवा सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे मेरे पास ये मेरा वाला चैनल है मूवी टाइम, और यहाँ पे मैंने एक आपके सामने देख रहे होंगे कि पेंडिंग रिक्वेस्ट को भी हम कैसे एक्सेप्ट करवा सकते हैं बिल्कुल ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन रिक्वेस्ट में आप देख सकते हो 2000 से भी ज़्यादा रिक्वेस्ट हो चुकी हैं यहाँ पर। तो आप सभी को एक बात और बता देता हूँ, अगर आप भी चाहते हो मूवीज़ वेब सीरीज फ्री में डाउनलोड करना तो हमारे इस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दुआ दूंगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो लेना। सेपरेट वीडियो नहीं बनाई जाती, क्योंकि यार बहुत सारी वीडियोज़ पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आप देख सकते हैं, उनको एक साथ एक्सेप्ट करवाएंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक ये भी नहीं पता है कि हम टेलीग्राम चैनल पर रिक्वेस्ट ऑप्शन कैसे लगा सकते हैं जैसे आप ज्वाइन करते हो, तो ये वाली वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो मैं आप सभी को स्टेप वाइज सब कुछ समझाता हूँ, चलते अपने टेलीग्राम के अंदर। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप सभी को अपने टेलीग्राम पे आने के बाद आपको सर्च करना है ये वाला बोट, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट बोट, ऐसे करके आपको सर्च करना है। तो आपके सामने यहाँ पे शो मोर आ जाएगा, तो आपको जो ये वाला बोट है ना इसका लोगो देख सकते हो, और ये वाला बोट आपके सामने देखने को मिलेगा। तो इस बोट को सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस बोट को क्या करना है, स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे क्या होगा, पहले ही कहेगा कि आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको माई चैनल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको ऐड चैनल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड चैनल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे करने के बाद अब क्या करना है, इसको बोट को आपको अपने चैनल के अंदर ऐड करना है। यहाँ पे जाएंगे आप, इसका यूजर नेम यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल, और यहाँ पे ऐड टू ग्रुप और चैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके चैनल्स हैं आपके सामने आ जाएंगे, आपके चैनल्स, माई चैनल्स और आपके ग्रुप्स। आप ये काम दोनों में कर सकते हो, यहाँ पे जो और जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया है नीचे वो दिखा रहा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरा कोई भी एक चैनल ले लेता हूँ, सपोज कीजिएगा मैं अपना जिस चैनल पे मैंने ये लगाया हुआ है ना, तो मैंने इस चैनल पे लगाया हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बोट को ऐड करूँगा तो आपके सामने ऐसी परमिशन देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ से सिर्फ इनवाइट यूजर्स वाया लिंक इसको ही टिक रखना, अगर आप और सभी परमिशन दे दोगे तो क्या पता ये चेंज कर दे आपके चैनल से, कुछ यूजर्स को हटा दे, तो आप इन परमिशंस को देना मत, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड बोट एज एडमिन यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इस बोट को ऐड कर दिया, इस चैनल में मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपके चैनल से कोई भी चैट ट्रांसफ़र करनी है इस बोट के अंदर। तो अपने चैनल के अंदर आने के बाद यहाँ से अपने चैनल का मैसेज है यहाँ से आपको करना शेयर, और उसी बोट के पास आपको यहाँ से ट्रांसफ़र कर देना है। जैसे आप यहाँ से चैट ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है चैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ पे चैट आई हुई है और यहाँ पे आपको चैट ट्रांसफ़र कर देनी है। तो इतना काम करने के बाद देखिएगा क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे माई चैनल्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके जो भी चैनल्स इस बोट से जुड़े हुए हैं वो दिखा देगा। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे आपने जितने भी चैनल ऐड कर दोगे वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। आपको जिस चैनल में मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवानी है तो आपको वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, जो लिंक है ना उसको क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज कीजिएगा मेरा ये वाला चैनल है या फिर ये वाला चैनल है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक जो ये लिंक क्रिएट हो गया है, इस लिंक को आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करना है, या फिर जहाँ जहाँ आपको शेयर करना है इस लिंक को शेयर करना। इससे क्या होगा, जो भी आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल से इस लिंक को ज्वाइन करेंगे तो आपके जो चैनल को ज्वाइन करते हो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे, आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने दो लिंक बनाए हुए हैं इस चैनल से, और मैंने यहाँ पे इस चैनल से एक लिंक बनाया हुआ है, और यहाँ पे इसी लिंक से जिस बंदे ने ज्वाइन किया था तो यहाँ पे आपके सामने डाटा दिखा रहा है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड 1। तो ऐसे ही आपको ये लिंक फ्यूचर के लिए जो भी आपके चैनल ज्वाइन करे तो ये लिंक शेयर करना, इससे ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं पेंडिंग रिक्वेस्ट को कैसे एक्सेप्ट करवाएं। यहाँ पर आप सभी को बहुत सारी रिक्वेस्ट देख रही हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है,
इसके लिए आपको जो ऑटो क्लिकर ऐप है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, इस ऐप के अंदर डिटेल के अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो ये वाली वीडियो भी आपको आई बटन में मिलेगी और भी बहुत सारी वीडियोज मिलेगी आपको आई बटन में, जिससे आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो चलते हैं, इस ऐप को सेट करने के बाद आपको क्या करना है। इस ऐप को आप कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं इनको सेट करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक चलेगा ना, तो सभी को ऐड टू चैनल करता जाएगा और आपका घंटों का काम बिल्कुल एक मिनट के अंदर कर देगा। 2000 हो चाहे 3000 रिक्वेस्ट हो, ठीक है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, बस आप इसको डिसमिस वाले पे मत क्लिक कर देना। अगर डिसमिस वाले पे क्लिक कर दोगे तो ये सब्सक्राइबर ऐड नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आप जो ऑटो क्लिकर वाली वीडियो देख लोगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा। इस तरीके से सेट करोगे ना, तो मैं यहाँ से इसको एक बार चलाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चला रहा हूँ ना, तो ये सभी रिक्वेस्ट को ऐसे एक्सेप्ट करता जाएगा। ये फिलहाल आपके सामने स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा है, तो उस वजह से जो गैलरी के अंदर पिक्चर है ना, तो ये इस वजह से गैलरी के अंदर पिक्चर डिलीट वाला और ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। बट जैसे आप इसको इस हिसाब से सेट करोगे तो ये सभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएंगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि उस टॉपिक पर मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आऊँ। और कमेंट बॉक्स में जो भी चैनल दे उनको ज्वाइन जरूर कर लेना, उनसे आपको मूवीज वेब सीरीज फ्री में मिल जाएंगे।